हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सोया चंक्स पुलाव। एज वी ऑल नो दैट सोया चंक्स आर हाईली रिच इन प्रोटीन, सो दिस रेसिपी इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीमली हेल्दी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लेंगे हाफ कप सोया चंक्स, गर्म पानी डालेंगे और 15 मिनट के लिए इसको ऐसे ही भिगो कर रख देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, सोया चंक्स आर नाइसली सॉफ्ट अप। अब हम इसको इस तरह से स्क्वीज कर लेंगे, 2 टीस्पून थिक कर डालेंगे। नाउ ऐड 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/4 टीस्पून टर्मिक पाउडर एंड 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर। मिक्स वेल। अब हम मैरिनेटेड सोया चंक्स को 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। 1 कप बासमती राइस लेंगे और 15 मिनट के लिए इसको भिगो कर रख देंगे। 1 कढ़ाई लेंगे और 1 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल डालेंगे और साथ ही 1 टेबलस्पून देसी घी डालेंगे। मैंने यहाँ पर कुछ खड़े मसाले लिए हैं, बे लीफ, सिनेमन, क्लोव, कार्डमम एंड क्यूमन सीड्स। तेल गर्म हो चुका है, अब हम सारे खड़े मसाले डालेंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मीडियम फ्लेम पर इसको अच्छे से भूनेंगे। टू मीडियम साइज चॉप्ड अनियन डालेंगे और इसे ट्रांसलूसेंट होने तक पकाएंगे। वन टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालकर 2 मिनट तक पकाएंगे। फिर हम डालेंगे चॉप्ड ग्रीन चिली। अब हम डालेंगे चॉप्ड टोमेटो। मैंने यहाँ पर 2 टमाटर यूज़ किए हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे, 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। नमक ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि हमने सोया चंक्स में भी नमक डाला है। 1 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे। सोया चंक्स डालेंगे। 5 मिनट तक इसको पकाएंगे ताकि हमारे मैरिनेटेड सोया चंक्स का फ्लेवर आ जाए। बहुत ही आराम से इसको चलाएंगे। ये देखिए, हमारा पुलाव का मसाला रेडी है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें मिंट लीव्स एंड कोरिएंडर लीव्स डालेंगे, इससे आपके पुलाव का फ्लेवर डबल हो जाएगा। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। सॉफ्ट राइस डालकर हल्के हाथों से इसको मिक्स करेंगे। एक कप राइस के लिए मैंने 2 कप पानी डाला है। अगर आपने कुकर में बनाने हैं तो 1.5 कप पानी डालें। एक उबाल आने पर ढककर इसको 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे। हमारा हेल्दी सोया चंक्स पुलाव बनकर रेडी है। आप इसे रायते के साथ या फिर कोई भी सब्जी के साथ खा सकते हो। कोरिएंडर लीव से इसको गार्निश करेंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताएं।